सर आपको अवार्ड मिला है भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है? I always believe in film is all about storytelling and so content has to be very strong, it has to be very hard hitting, it has to be very interesting. So, Fast ke bare mein main yahi bolna chahunga ki this is another socio-political hard hitting subject aur jo writer hai unki ye pehli film hai, Maheshwari madam ki jo Avinash director hai uski ye pehli film hai, jo protagonist play kar rahi hai Pallavi ki ye pehli film hai. तो मुझे हमेशा लगता है ये लगा है कि फिल्म इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड कंटेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो एक फास्ट नाम की एक बहुत ही हार्ड हिटिंग वेरी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बनाने की कोशिश हम सब लोगों ने की है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में उसे रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं. सो वी ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसे एक एक्टिविटी की तरफ देखना चाहिए. दिस इज वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी. अगर पिछले 10-15-20 सालों में अगर हम देखें तो नॉट ओनली रीजनल इंडियन फिल्म या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप देखें तो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हम लोगों को देखने मिले हैं और उसकी वजह ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या बाकी के फिल्म फेस्टिवल हो, इन फेस्टिवल से एक एटमोसफियर बनता है, एक अवेयरनेस बनता है, एक थोड़ी सी एजुकेशन होती है और इससे एक बढ़िया और डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बनाने की जो एक कोशिश करते हैं लोग उनको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. तो आई एम वेरी हैप्पी भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने एक इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और ये जो माहेश्वरी मैडम है, अविनाश है, पल्लवी है, ये जो अपना खुद एक खुद कुछ फिल्म में कहना चाहती है, फिल्म के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की वजह से. सो ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी. इज दैट ऑल?